नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA से रिलेटेड एक सब्जेक्ट कोड आपके सामने है, जिसका पेपर इग्नू में जल्द ही होने वाला है। ये जो सब्जेक्ट कोड आप देख पाएंगे, इसका नाम है MMPC 014 की हम यहाँ पर बात करेंगे। दो क्वेश्चन पेपर कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर। दो क्वेश्चन पेपर होंगे, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से हम रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर छाट लेंगे। दो क्वेश्चन पेपर होंगे, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने खुला ही है, एक और लेटेस्ट पेपर मैं आपके लेके आऊँगा, और उन दोनों में हम रिपीटेड क्वेश्चन छाट लेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार हमारी मदद करते हैं चीज़ों को पहचानने में, और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट करना होता है तो केवल वही क्वेश्चन इग्नू में पढ़ने पड़ते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हमें कोशिश केवल थोड़ी सी ये करनी है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, हम केवल क्या करें, उन्हीं पर ही थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। समझे आप थोड़ा सा? ठीक है। इसके बाद यदि आप देखें तो इस सब्जेक्ट कोड का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, आपका MBA का सब्जेक्ट कोड है। दोस्तों किसका सब्जेक्ट कोड है ये? ये MBA का सब्जेक्ट कोड है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस में है ये MBA आपकी। साथ साथ आप कह सकते हैं इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी होती है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस भी करना है दोनों के बीच, यानी दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गए, एक तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किस तरीके से अपनी संपत्ति को मैक्सिमाइज किया जा सकता है और किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। किसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट रिस्क। साथ साथ आप कह सकते हैं इसके टाइप्स भी आपको बताने हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है, क्यों हम किसी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें कि कंपनी का मूल्य इतना है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, आपको इसके टाइप्स भी बताने हैं और इसकी अप्रोचेस भी बतानी है, या फिर आप कह सकते हैं कितने प्रकार की अप्रोचेस होती है वैल्यूएशन की। हम कंपनी के वैल्यूएशन अलग तरीके से देख सकते हैं, हम टोटल वेल्थ के रूप में दे सकते हैं, उसके एसेट्स के रूप में दे सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट के रूप में दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं हमें सेकंड पेपर से पता चलेगा, क्योंकि सेकंड पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक कॉन्सेप्ट ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है पिछले कई साल से, और साथ साथ पूछा जा रहा है इसके फंक्शंस, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो जो मैंने बॉक्स में डाले या अंडरलाइन किए, यही वो टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, ये सब चीज़ें। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कुछ और 2-3 क्वेश्चन, जैसे डिस्कस ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट और फैक्टरिंग क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको इसकी एडवांटेजेस भी बतानी है और डिसएडवांटेजेस भी बतानी है कि जब हम उधार लेते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, क्रेडिट की बात होती है, लेनदारी की बात होती है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछा गया है। फीचर्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको बताना है एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके फीचर्स पूछे गए हैं, मेन विशेषताएं, डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, साथ साथ इसके निर्धारक तत्व यानी डिटरमिनेंट्स भी आपसे क्या किए हैं, पूछे गए हैं। व्हाट इज बिहेवियरल फाइनेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में छप चुका है बिहेवियरल फाइनेंस। विच डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसेस हिंडर द रेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बताइए कौन कौन से एरर्स हैं, कौन कौन से बायसेस हैं जो रुकावटें पैदा करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। भाई करते हैं, भाई सीधी सी बात है, लोग ऐसे तो अपना पैसा नहीं लगाएंगे, बहुत सी चीज़ें जो उन्हें रोकती हैं, जैसे मार्केट लॉसेस। अभी हाल फिलहाल की कोई ऐसी घटना जहां पर बहुत बड़ा लॉस हुआ, जैसे अभी आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो बायजूस कंपनी का नाम आप सबने सुना ही होगा, है ना। अब बायजूस कंपनी की खास बात क्या है, किसी समय पर कितनी बड़ी उसकी क्या थी दोस्तों, किसी समय पर इतनी बड़ी फाउंडेशन आप कह सकते हैं एजुकेशनल कंपनी, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस के मामले में जीरो हो गई, इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, कंपनी की वैल्यूएशन भी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। तो ये बात आपको समझनी है। और जो इसी से इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर होता है, बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिकल, याद रखना। और इस न्यूमेरिकल में क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको पूरा कंटेंट दिया गया होगा, है ना, और आपसे पूछा क्या जाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपको अटेम्प्ट करना होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है ना, ये आपको हमारे पेड नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। द एस्टिमेटेड बिफोर कैश इनफ्लोज आर गिवन बिलो, बिफोर कैश इनफ्लो तो ये था आपके सामने, ठीक है, और इसके अलावा आफ्टर कैश इनफ्लो जो है आपके सामने है, पीवी फैक्टर एट 12%। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको इंडेक्स मेथड्स का यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों,
ये आपका क्या है, इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बताना है। इवेल्युएट क्या करना है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। हमेशा इसका जो एट्थ क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन पेपर का जो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो हमेशा एक न्यूमेरिकल होगा, दैट विल बी अ न्यूमेरिकल। डन दोस्तों, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको हुई होगी। इट विल बी न्यूमेरिकल है, ये हमेशा कोई ना कोई न्यूमेरिकल होता है। तो एक पेपर यहाँ पर आपने डिस्कस कर ही लिया है, अब बात करेंगे हम दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर जो होने वाला है वो दिसंबर सेशन का होगा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हम बहुत रैपिडली कर लेंगे, तो सेम ही है सारा पैटर्न। पैटर्न समझाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन ही लगभग आपको रिपीट देखने के लिए मिलेगा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करनी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, यानी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है ना, अपने वित्त से संबंधित फैसले लेती है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आप कह सकते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है, कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वही सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। इनके टाइप्स आपको बताने हैं, आप कह सकते हैं इसे मैं दूंगा एक सिंगल स्टार क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन तो ट्रिपल स्टार हो गया, पूछे क्यों, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये रहता है हमेशा से, आपसे हमेशा पूछा जाता है इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, और साथ साथ आपको बताने होते हैं ब्रीफली वेरियस सोर्सेज ऑफ रिस्क। वेरियस सोर्सेज भी पूछ लो, चाहे कुछ भी पूछ लो, पूरा क्वेश्चन रिपीट है। एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी मैं दूंगा ट्रिपल स्टार। वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। थ्री स्टेप वैल्यूएशन आपको बताने, व्हाट आर द थ्री स्टेप वैल्यूएशन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं EIC, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लास में हम कराएंगे। ये वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। तो तीन में से दो क्वेश्चन आपके रिपीट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। चलिए, नया क्वेश्चन भी होगा ऐसी बात नहीं है, बहुत से क्वेश्चन इसमें आपको नए देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको इसकी बतानी है, डिफरेंट क्लासेस भी बतानी है ना, न्यू टाइप का लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, हमारी पूंजी की कॉस्ट आखिरकार है क्या, ये हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आनी चाहिए करनी, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज मनी मार्केट, मनी मार्केट आपकी क्या होती है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, साथ साथ इसका महत्व बताना। सीधे सीधे से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट, आपको इसके पार्टिसिपेंट्स भी बताने हैं। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, न्यू टाइप का क्वेश्चन, सिंगल स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होगा। इसके रिपीट होने की इस बार क्या है संभावना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वाई इज नेक्स्ट क्वेश्चन आप यदि यहाँ पर देख पाएंगे तो आपको दिखाई देगा, भाई एट्थ क्वेश्चन तो आपको पता है, दैट इज न्यूमेरिकल, जो आपको खुद अटैम्प्ट करना होगा, या फिर हम आपको कॉन्सेप्ट क्लास में न्यूमेरिकल को करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको देखने ये जो दो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से क्वेश्चन रिपीटिंग है, हालांकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन लगभग रिपीट आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्टिंग कह लीजिए, चाहे कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो ये आप कह सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन, बायबैक शेयर्स आपको पता ही है, शेयर्स को वापस खरीद लेना, ऐसा इसलिए किया जाता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में होती है और अपने शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन में भी ऐसा होता है जब वो अपने शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट बांटना ना पड़े। वाई इज डिविडेंट, आपको पता ही है कंपनी के प्रॉफिट का एक भाग क्या कहलाता है, आपका डिविडेंट कहलाता है। डिसीजन इंपॉर्टेंट फॉर अ फर्म, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो लोग उसके शेयर होल्डर हैं उन्हें तो डिविडेंट चाहिए ही, ठीक है। डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, इसमें से मैं इस क्वेश्चन को देता हूँ डबल स्टार, क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन की संभावना है रिपीट होने की, क्या है, इस क्वेश्चन की संभावना है, याद रखना। और जो क्वेश्चन हम सामान्यतः बता देते हैं वही एग्जाम में बार बार आते भी हैं। तो आज के लिए केवल इतने, अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट क्लास चाहते हैं तो कमेंट करें, अगर आप इसके पेड नोट्स चाहते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस के तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप जा सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।